चलो देखो, है ना, देखो अभी मैं, मेरे को बताना ठीक है। देखो हमने फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का गया, सेकंड को ड्रॉप कर लो, क्या हो जाएगा LnX into। अभी भी आ रहा है वॉइस में दिक्कत? नो सर, अभी ठीक है, ठीक है बराबर। अब सही है? हाँ हाँ सर, यस सर। तो सेकंड को ड्रॉप किया, टेंस के क्या हो जाएगा, secant² x, ऐसा ठीक है। इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने आप में वही पूरा का पूरा ऐसे निकल सर गया। सर चालू हो गया वापस। अरे सर, थोड़ा चलते ही वापस चालू। हाँ एक मिनट, लिखो मैं दूसरा लिख रहा हूं। जैसे मैंने इसको माना है GX, ये आपका साइन एक्स रेस टू पावर कॉस एक्स, ऐसा। अभी सही आ रहा है? नहीं सर, नहीं सर, सॉरी। अरे सर क्या करे। ज्वाइन होने के बाद थोड़ी देर ठीक चला, बाद में वापस हो गया। यार मेरे को ना कभी भी बहुत खुंदक आता है ना, बहुत भयंकर वाला खुंदक आता है मेरे को। क्या करे सर, अभी कैसा आ रहा है? सेम वैसा ही। यार शाम होती दिक्कत हो जाती है कि जूम को। हमारा क्लास में ही होता है, शाम की फिजिक्स में क्लासेस तो भी बहुत, होता है। फिजिक्स में भी हो रहा है। नहीं, फिजिक्स में भी नहीं होता, आप में ही होता है, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, बहुत पढ़ लिया मेरे से, मैं बंद कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, हो गया बस। हमें कोई दिक्कत नहीं है सर। सही बात है, तुझे क्या दिक्कत हुई, हमें देना ही नहीं आईडिया। सर अरे यार क्या मुझे ना, करें। एक सेकंड है ना, एक अरे अरे रुको, चुपचाप, मेरा खुद बहुत दिमाग खराब होता है। एक तो पढ़ाने के मूड में आता हूँ मैं, और जैसे ही मैं, बस मेरा जिस दिन मूड करेगा ना उसी दिन ये सब फालतू का नाटक होता है, दिमाग खराब। हम भी क्या करें। सर कल थोड़ा सही चल गया, कल जैसा सेशन चल जाता ना, मैं इतने सारे क्वेश्चन करा था MOD में, सोच रहा था कि 3-4 दिन में खत्म कर दूं। यही अब तो वॉइस ही चली। का म्यूट हो गया इसलिए। मैं तो बीच बीच में कट भी हो जाता है आवाज सर का। अभी आ रही है सही? हाँ सर, अभी सही है। हाँ मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ, अगर फिर से है ना, फिर से दिक्कत हो तो बताना मेरे को, ठीक है? कोई बोर्ड पे बहुत तेज वापस बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं पीछे से खड़ा होकर पढ़ा दूंगा पूरा इधर का। अरे सर अभी कट हो रही है सर आपकी आवाज, इस बार डिस्टरबेंस नहीं आई, कट हुई। हेलो देख अभी मैं सर, ये वाला साइन एक्स रेस्ट पावर कॉस एक्स, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, अगर दिक्कत हो वॉइस में तो बोलना मेरे को एक बार, ठीक है? हाँ सर ठीक है सर, बहुत आपकी नाटक होता नेटवर्क है प्रॉब्लम है, आपके सिग्नल येलो दिखा रहा था। ऐसा। हाँ सर, नहीं तूने सर, चेक कर अभी लिया? हो गया, अभी हो गया सर, बराबर हाँ सर, पहले अभी से। ठीक हो गया है, अभी येलो दिखा रहा था थोड़ी देर पहले। हाँ अब सही है, सर, अब सही है। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में लगाया, कोई देखेगा ना इसको अपलोड होगा तो, ये आधे लोग तो अच्छा देख के ये बोला करेंगे, जब 15 मिनट तक तो इनका यही चलता था, आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है, आ रहा है आवाज नहीं आ रहा है, अच्छा हो गया है नहीं हो गया है, हाँ सर, ओके सर, यस सर, वो कहेंगे भाई पढ़ाता क्या ये बंदा, मेरी तो आधी इमेज तो वैसे ही खराब हो जानी है मेरी। सर चलो देखो, तो
इसको अगर मैं ई के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो बार बार है ना cos x आपका क्या बाहर आ जाएगा, ठीक है, cos x into, और हम क्या करते हैं इसका ये जो आपका है इसका हमने बड़े के लिए log ले लिया, और ये सब किस में चल रहा है e की पावर में, ये सब किस में चल रहा है e की पावर, ठीक है। तो ये जो है अब देखो बेटा ये आपका क्या बनेगा फर्स्ट बनेगा और ये आपका क्या बनेगा सेकंड बनेगा, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ रही है कब, जब हम इसका अभी डिफरेंशिएशन करेंगे तो। आवाज क्लियर है भाई? हाँ सर क्लियर। अब देखो यहाँ पे जब इसके डेरिवेटिव की बात करो बेटा आप क्या लिखोगे जी डैश एक्स, और ये आप लिखोगे क्या, ये तो सेम आपका वही लिखा हुआ ना साइन एक्स रेशियो, ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है साइन एक्स रेशियो पावर कॉस एक्स वैसे लिखा हुआ है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना है क्योंकि ई रेशियो पावर थीटा तो हमने एज इट इज इसी को यहीं पे लिख दिया, लेकिन इसका फर्स्ट सेकंड लगाने का क्या मतलब, फर्स्ट को हमने एज इट इज रखा, ठीक है, और सेकंड को क्या करते ड्रॉप कर दिया। सेकंड को ड्रॉप करने का मतलब क्या है, अच्छा हमने फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का लेंगे तो सेकंड का लिखेंगे तो क्या आएगा वन अपॉन साइन एक्स, और बेटा साइन एक्स के द्वारा से लिखेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स प्लस, अब हम क्या कर रहे हैं सेकंड को ड्रॉप कर रहे हैं तो एल एन ऑफ साइन एक्स इन टू आपके क्या बन जाएगा बेटा फर्स्ट वाले का कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं इन दोनों को ऐड कर देना भैया आपका आंसर, वो काफी लंबा चौड़ा आंसर है ये आपसे बोर्ड में ही पूछेगा, आईआईटी तो कभी भूल जाओ ना, फालतू के सवाल पूछेगा तुमसे, लेकिन बोर्ड का भी थोड़ा थोड़ा कराना जरूरी है इसीलिए कराना पड़ता है। वो क्या है कि है ना मजबूरी का नाम सुना ना, मजबूरी का नाम सर, अब स्क्रीन ब्लर हो गई क्या ब्लर हो गई स्क्रीन ब्लर है हाँ। सर चलेगा सर आप जैसा भी चला लो काम, सब लोग सुबह ना फंदा लेके आ जाओ गले में डाल के लटका दो मेरे को कहीं। अरे सर मैं कह रहा हूँ सर अब चलेगा, आप जो पढ़ाना पढ़ा दो, हम जितना समझ में आए उतना समझ लेंगे। पर हम तो लिखते हैं, तू नहीं लिखता। अबे अबे कतई बेइज्जती कर रही है तू। अब बराबर है यार, देखो अब सही है, अभी देखो सही काव्य देखिए सब बराबर है। ब्लर मेरे को ब्लर दिख रहा है, मेरा हाथ देख रहा है, मेरा हाथ देखो तुम पहले, एक की उंगली दिख रही है सर। सर गाल पे मारना आप सही है, आप सही है सर, आप सही है, सही है। अभी काफी देखी तेरे को दिख रहा है, चले गए सर, नहीं इतना तो चले गए, उधर ही लगा देता हूँ वही। अभी सही है, मोबाइल पे ही लिख लो। हाँ चलेगा सर, अब ऊपर से ज्यादा ब्लर हो गया मेरे में। सर जैसा भी हो अब चलेगा सर, आप पढ़ा लो बस। रुक जा यार, अब बताना जरा, अब बताओ तो सेम है, ब्लरी ब्लरी है सर, चल जाएगा सर, चलेगा सर, जाने दो, छोड़ो सर, आप बोलना हम समझ लेंगे। मैं इधर एक बार इधर लिख के देखता हूँ, एक क्वेश्चन हो, ठीक है, y इक्वल्स टू sin x इनटू साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर साइन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर कॉस इनवर्स एक्स y इक्वल्स टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू पावर रूट ऑफ साइन एक्स, इसका बेटा क्या है आपका एल एन एक्स इंटू एक्स रेस टू पावर कॉस इनवर्स एक्स। अब दिख रहा है सही बताओ, अभी दिख रहा है तुमको कि ब्लड दिख रहा है? नहीं सर अब भी सही है, सही है। अब चला लो यार काम, चला लो ना काम, चला लो। हाँ सर, हाँ सर चलेगा चलेगा। ये कर लोगे तुम, इसमें कुछ नहीं करना, ये थोड़ा बोर्ड के पर्पस से क्वेश्चन आपको इसमें
लॉग लेना है, ठीक है, हो जाएगा। तीन चार फंक्शन है, सब अलग अलग सम करके आ जाएंगे, ठीक है, एक कर लेना तुम खुद ही। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मैं लॉग लेके लिख दूं या तुम लोग लिख लोगे? लिख लोगे? एलन भाई आपका हो जाएगा एलन ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स आपका आगे आएगा। सर म्यूट हो गए आप क्या? अब बताओ कैसा दिख रहा है? अब अच्छा दिख रहा है? हाँ सर। यस सर। काव्या बता। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे इसका वन हो जाएगा, ये क्या होएगा बेटा? एलन ऑफ एलन एक्स प्लस ये आपका कॉस इनवर्स एक्स आगे आ जाएगा बेटा पावर में इनटू आपका क्या होएगा एलन एक्स, ठीक है? तो इसमें तो आपका प्रोडक्ट लग जाएगा ना, प्रोडक्ट लग जाएगा। अब आप तुम कर लेना इसको, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। इफ वाई इज टू साइन एक्स रेस टू पावर एलन एक्स, इफ वाई इज टू साइन एक्स रेस टू पावर एलन एक्स इनटू कॉस एक्स e raise to power x into a plus bx ऐसा into cos x input में है, cos x के बेटा input में है e raise to power x into a plus bx, ये पूरा जो है cos x का input है, e raise to power x into a plus bx, ठीक है, ये आपका cos x पूरा input है। और उन्होंने बोला है and a plus b is equal to pi upon 2e, a plus b is equal to pi upon 2e, find dy over dx at x is equal to 1, find dy over dx at x is equal to 1, अब बताओ पहले सही दिख रहा है तो मैं आगे बोलूं, बढ़िया दिख रहा है अभी एकदम? हाँ सर बढ़िया दिख रहा है, बड़ा ही सुनाई, अच्छा भी सुनाई दे रहा है। ओके देखिए, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, अगर मैं आपसे कहूं देखो ये यहाँ पे क्या दो फंक्शंस का प्रोडक्ट मान लो, आप इसको मैं थोड़ी देर के लिए बेटा क्या मान लेता हूँ, आप एफ मान लेता हूँ, और ये कॉस एक्स वाला पार्ट है ना, कॉस एक्स वाला जो पार्ट है इसको मैं क्या मान लेता हूँ, जी मान लेता हूँ, ठीक है? यानी कि कहीं ना कहीं डीवाई ओवर डीएक्स यानी कि डी ऑफ एफ जी आपसे ऐसा बात कर रहा है। डी ऑफ एफ जी का मतलब क्या है बेटा? एफ जी और एफ जी आपने लिख लिया प्रोडक्ट के लिए, मैंने बहुत आसान तरीके बताया, दो बार लिख लिया, एक बार एफ पे डैश लगाओ एक बार जी पे डैश लगाओ, ये आपका आंसर होगा। इसमें हमें x = 1 रखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे आपका जो है f मैंने जिसको माना है पहले मैं उसको लिख ले रहा हूँ, ये आपके क्या होएगा sin x = पावर ln x, इसका अलग से निकाल लेते हैं भाई, देखो एक साथ इनका निकाल पाना मुश्किल होगा, ठीक है, एक एक करके निकाल लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या बनेगा बेटा, e = पावर ln x * ln ऑफ sin x, ऐसा बनेगा कि नहीं? ये ln x आपका बाहर आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाली बात समझ में आ रही तुम्हें? तो e की पावर में ln, एक्चुअल में ये e की पावर में ln, इसका मतलब क्या है e की पावर में ln, ये क्या बनेगा बेटा आपका e की पावर ln, बताओ फटाफट से क्या बनेगा? कई लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, चल बाहर में जाओ। तो ये आपका क्या बन जाएगा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर।
कहाँ चले गए, तो रिप्लाई तो बोलो, तो पता तो चले समझ में आ रहा है नहीं आ रहा तुम्हारे। तो एफ डैश ये बेटा तुम्हारा फर्स्ट का काम करेगा और ये वाला पार्ट तुम्हारा सेकंड का काम करेगा, ठीक है। एफ डैश तुम्हारा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो एज इट इज यही आएगा पूरा, ई रेस्ट पावर अल्फा, तो ई रेस्ट पावर एल एन एक्स इंटू एल एन ऑफ साइन एक्स ऐसा, ठीक है। फर्स्ट को ड्रॉप किया, एल एन एक्स को ड्रॉप कर दिया, एल एन ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव तो वन अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या आएगा आपका कॉस एक्स प्लस, ठीक है। अब देखो एल साइन एक्स को हमने बेटा ड्रॉप कर दिया और आपका एल एन एक्स के क्या हो जाएगा वन अपॉन एक्स, ठीक है ऐसा। ये तो आपका बेटा एफ डैश आ गया। ये क्वेश्चन काफी बड़ा है तो मैं जो है यहाँ पे ना यहाँ पे एक बार इधर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, थोड़ा लेंथी है हालांकि राइटिंग पूछा हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए जी की बात कर रहे, जी आपका क्या है कॉस एक्स ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स इनटू ए प्लस बी एक्स ऐसा, ये पूरा इनपुट है। जी डैश का मतलब क्या है, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं, कॉस एक्स थीटा का क्या होता है माइनस कॉस एक्स थीटा इनटू कॉट थीटा, ठीक है। तो जी डैश बेटा पे क्या बनेगा माइनस कॉस एक्स थीटा की आपको ये लिखना पड़ेगा ई रेस्ट पावर एक्स इनटू ए प्लस बी एक्स, कॉट थीटा के लिए भी आपको ये लिखना पड़ेगा ई रेस्ट पावर एक्स इनटू ए प्लस बी एक्स ऐसा। और आपको जो है दोबारा से करना पड़ेगा इसका ई रेस्ट पावर एक्स और ए प्लस बी एक्स का, तो इसको आप क्या करो फर्स्ट इनटू सेकंड मान लो, तो फर्स्ट बेटा मैंने इसको मान लिया सेकंड इसको, तो फर्स्ट को ड्रॉप किया, सेकंड का क्या आ जाएगा ए का जीरो हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी एक्स के हिसाब से इसका बी हो जाएगा बेटा और ए प्लस बी एक्स इसको एज इट इज रखा तो ई रेस्ट पावर एक्स का तो क्या आ जाएगा ई रेस्ट पावर एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है वन रखना है इसमें, है ना, क्या करना है वन रखना है, लेकिन ध्यान रखना है एफ डैश का वैल्यू अलग निकालेंगे, जी का वैल्यू अलग निकालेंगे, एफ का वैल्यू अलग निकालेंगे, जी डैश का वैल्यू अलग निकालेंगे और उसको क्या करेंगे सम करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक एक करके यहाँ पे सारे वैल्यू लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा एफ डैश का वैल्यू क्या है, एफ डैश का वैल्यू यानी कि यहाँ से आएगा, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा वन रखना पड़ेगा एफ डैश में, तो यहाँ वन रखने का मतलब आप देखिए फटाफट से ई रेस्ट टू पावर एल एन वन, एल एन वन क्या बना देगा जीरो, जीरो इंटू एल एन ऑफ साइन ऐसा, एल एन ऑफ साइन वन क्या बनेगा जीरो, तो ई की पावर क्या हो जाएगा जीरो, ये क्या हो गया वन, ये वन हो गया, एल एन वन आएगा आपके यहाँ पे एल एन वन इंटू आपका कॉस आपका कॉट वन, तो एल एन वन आपका जीरो, ये टर्म खत्म हो गया। यहां से क्या हो जाएगा देखो आपका ये खत्म हो गया और आपका ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये वन है और ये आपका जीरो है, ठीक है। अच्छा एल एन ऑफ साइन वन इंटू वन, तो यहाँ से एफ डैश आपका आया है एल एन ऑफ साइन वन, एफ डैश का वैल्यू आया साइन वन। अब मुझे किसका चाहिए जी का, क्योंकि इसमें जी का मुझे क्या करना मल्टीप्लाई करना है, तो जी का वैल्यू का मतलब क्या, मैंने जी का कौन सा फंक्शन लिया भाई, जी का फंक्शन लिया ये जी आपका क्या है यहाँ पे, तो जब आप है ना जब आप एक्स की जगह वन रख रहे हो तो क्या बनेगा कॉस ऑफ ई ए प्लस बी, और ए प्लस बी का मतलब क्या है, ए प्लस बी का मतलब क्या बेटा पाई अपॉन टू ई, तो ई से ई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कॉस एक्स ऑफ पाई बाई टू, कॉस एक्स ऑफ पाई बाई टू बेटा क्या बनाएगा साइन ऑफ पाई बाई टू वन, तो कॉस एक्स ऑफ पाई बाई टू भी आपका क्या होगा वन आएगा, तो ये आपका ऐसा आ गया एफ डैश और का वैल्यू एल एन साइन वन और जी का वैल्यू वन। अब मैं निकालूंगा एफ का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, साइन वन रेस्ट पावर एल एन वन क्या होगा बेटा जीरो, तो साइन वन का पावर अगर आपको जीरो बन जाएगा तो क्या बन जाएगा वन बन जाएगा, ये आपका क्या आएगा वन। अब हम निकाल रहे हैं वैल्यू जी डैश का, जी डैश के लिए हमने क्या किया कि जहां जहां पे आपका अच्छा जी डैश के लिए तो आप देख लो जीरो ही आ गया आपका जी डैश, क्यों, क्योंकि कॉट ऑफ है ना कॉट टेन ऑफ नाइनटी आपके क्या होता है बेटा टेन ऑफ पाई बाई टू, ये तो वन बनेगा आपका, अभी हमने देखा ये वाला पोर्शन आपका वन बन गया ये, लेकिन ये जो पोर्शन है कॉट ऑफ पाई बाई टू बनेगा, कॉट ऑफ पाई बाई टू आपका क्या बना देगा जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई बेटा पूरे से होते पूरे ही जीरो हो जाएगा आपका, तो जी डैश का वैल्यू क्या आ जाएगा जीरो, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई तो वन इंटू एल एन साइन वन का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा एल एन साइन वन, क्या आ जाएगा बेटा एल एन साइन वन, ठीक है, प्लस एफ इंटू जी डैश का मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा एल एन ऑफ साइन वन, आपका फाइनल आंसर क्या आएगा बेटा एल एन ऑफ साइन वन।
अभी कोई दिक्कत हो रही है तो बोलो। नहीं सर सब कुछ ठीक है। ये समझ में आया? देखो मैं अलग अलग फंक्शन नहीं लगाया, थोड़ा कैलकुलेशन मैंने बचाया है, है ना? तो थोड़ा सा आपको खुद ही है ना जहां समझ में नहीं स्टेप बता दो, मैं फिर से समझा देता हूँ कोई ऐसा स्टूडेंट। और देखो इसमें एक्चुअल में क्या था, ये जब मेंस में पूछा गया था तब लोगों ने कैलकुलेशन की वजह से छोड़ दिया था, हालांकि बस एक बार डेरिवेटिव निकाल करके देखना था, वैल्यू रखना बहुत आसान था इसमें। सर ये जो जी डैश वाला है और जी वाला है ना वो नहीं दिख रहा थोड़ा सा, तो वो समझा दो ना एक बार। देखो जी डैश में क्या है बेटा, ये जो cos of e to the power x + bx जो है ना, ये तो बन बनाएगा तुम्हारा, लेकिन मेन फंडा क्या है, ये सब तीनों मल्टीप्लिकेशन में, तो cot of pi / 2 तुम्हारा क्या बना रहा है, 1 बना रहा है, सॉरी 0, cot of pi / 2 0 बनाएगा, 0 को मल्टीप्लाई सबसे होगा, तो जी डैश तुम्हारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। समझ में आया? ओके सर। और बेटा जी के लिए क्या है, जी के लिए देखो तुम ई इंटू ए प्लस बी बनेगा, एक्स की जगह वन रखते ही, है ना? तो जैसे ए प्लस बी का वैल्यू क्या है, पाई अपॉन टू ई, तो ई से ई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए का पाई बाय टू बचेगा, और कॉस ए का पाई बाय टू क्या होगा, वन। और बताओ किसी को दिक्कत है कोई, बोलो। किसी का वीडियो विजुअल क्यों नहीं यार, मतलब नेटवर्क नहीं आ रहा क्या है, अभी अभी कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं सर सब ठीक है सर, पर फोन को ऐसे रखा ऐसे है ना इसलिए। तो दो मिनट के लिए वीडियो ऑन करते हैं ना तो फिर वापस हो जाता है इसलिए। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो ऑफ ही कर लो, है ना, मैं तो ऐसे पढ़ा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं चाहता हूँ कि आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन ब्लर है, तुम नहीं आप हमको दिख के करोगे क्या सर? आप जैसे नमूना को क्या ही करूंगा मैंने, ये बात बिल्कुल सही बोला। ऐसे समझदार तो तू हो गया पहले से। अरे सर तो है ही, मैं विश कर रहा हूँ कि शायद है ना ये खुल जाए ना, तो एक बार ऑफलाइन क्लास होने लग जाए। हाँ सर उसमें तो मजा ही आता था। इस बार वही तो कराऊंगा मैं, तेरी चिंता मत कर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट है आपका वाई इक्वल्स टू 2 raised to power log 2 और उसके इनपुट में है x raised to power 2x। देखो 2 की पावर में है log of 2 और उस log of 2 का इनपुट है x raised to power 2x plus tan of pi x by 4 और इस पूरे का पावर है बेटा tan of pi x by 4 पूरे का पावर है 4 upon pi x 4 upon 10 of input at 10 का pi x by 4 और इस पूरे का पावर है 4 by pi x। Find सर आपका वीडियो पॉज हो गया है। वीडियो भी नहीं आ रहा, ऑडियो भी नहीं आ रहा। सर आप एक ही जगह खड़े हो। अरे ये क्या हो गया, उधर लिखते हुए अटक गए हो, आपका हाथ में पेपर भी नहीं हिल रहा। पेपर में तो कुछ नहीं है, वो मैं क्वेश्चन नोट करके लेता हूँ, पेपर में क्या है उसमें कद्दू। ओके
अबे यार ये क्या हो रहा है भाई। हेलो सर। हाँ जी अब देख रहा है? हाँ तो आगे आगे। जादू देख रहे हो तुम? जादू कर देता हूँ मैं। देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, तो ये 10 वाली टर्म वो 2 के पावर में है, ये क्या बेटा? जो 10 वाला लिखा है ना आपने वो 2 के पावर में है। बेटा प्लस करके लिखा हुआ है, दो फंक्शन लिखे हुए हैं, इतना तो दिख ही रहा होगा। क्योंकि पावर में तो बेटा सिर्फ इतना लिखा हुआ है, log ऑफ टू, और log ऑफ टू का इनपुट है एक्स रेस्ट पावर 2x। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको f मान लेता हूँ और इस वाले बेटा में क्या कर रहा हूँ, g मान लेता हूँ। ठीक है, तो f यानी कि देखो 2 log 2 ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, इसका तो मीनिंग नहीं है। तो एक्चुअल में f आपका क्या हो जाएगा, x रिस्ट पावर 2x। क्या हो जाएगा? x रिस्ट पावर 2x। मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको e की पावर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2x इनटू ln ऑफ x ऐसा, और ये आपका चलेगा e की पावर में। ये वाली बात समझ में आई? तो f डैश का मीनिंग क्या है, ये आपका f है बेटा, मैं f डैश कैसे लिखूंगा, यानी कि ये नंबर इस नंबर में कोई बात नहीं, तो मैं सीधे सीधे ऐसे लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, e रेस्ट टू पावर, तो ये 2x आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट, और ln x आपका क्या हो जाएगा, सेकंड। तो फर्स्ट इनटू सेकंड में मैंने फर्स्ट को ड्रॉप कर दिया, सेकंड का हो जाएगा 1/x प्लस, और आपने क्या किया, सेकंड को ड्रॉप कर दिया, और आपका 2x का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, अच्छा वो तो बात की बात है, बात की बात देखते बाद में। ये वाले को देख लेते हैं, जी को, तो जी आपका क्या आ जाएगा, ये 4/πx, तो आपका ऐसे आ जाएगा आगे 4/πx बेटा आपका आगे आ जाएगा, और हम लॉग किसका लेंगे, टेन ऑफ लॉग टेन ऑफ πx बाई 4 ऐसा। ठीक है बेटा, टेन ऑफ πx बाई 4 का लॉग लिया हमने। अच्छा जी डैश का मीनिंग क्या है, जी डैश तो e की पावर में जैसा है वैसे ही लिखे रहने, तो ये तो आपका ऐसे ही लिखा रहेगा 4/πx इंटू लॉग ऑफ या ln ऑफ tan ऑफ पाई एक्स बाई 4 ऐसा, और फर्स्ट इनटू सेकंड लगा रहे हैं, तो 4/4/πx को मैंने फर्स्ट मान लिया, और ln tan ऑफ पाई एक्स बाई 4 को बेटा सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट को ड्रॉप कर दिया, तो 4/πx। ठीक है, अब ln है ना, ln ऑफ थीटा सेकंड का हम कर रहे हैं, तो ln ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, तो 1/थीटा, तो ln ऑफ थीटा हो जाएगा 1/थीटा। अब थीटा का क्या है, tan ऑफ पाई एक्स बाई 4, तो tan ऑफ पाई एक्स बाई 4 का द्वारा अगर वो तो क्या आएगा, secant स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 ऐसा। अब पाई एक्स बाई 4 का द्वारा से करेंगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा प्लस नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं, अब हमने क्या किया, सेकंड को ड्रॉप कर दिया, तो सेकंड को ड्रॉप करेंगे तो क्या आएगा आपका, ln tan ऑफ पाई एक्स बाई 4 ऐसा, और आपका ये क्या लिखा हुआ है, 4/π तो आपका कॉन्स्टेंट ही है, तो और 1/x का करेंगे तो बेटा आ जाएगा -1/x स्क्वायर ऐसा। ठीक है, ये आपका जी डैश आ गया। अब करना क्या है, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों में वैल्यू रखकर ऐड कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो 1 है ना, 1, तो 1 रखने का मतलब क्या है, 1 रेज टू पावर ये तो आपका 1 ही हो जाएगा, एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 2 प्लस ln 1 into 2, तो ln 1 आपका 0 बनेगा, तो ये 0 बन जाएगा, तो f dash आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, f dash का वैल्यू 2 आया। g dash में ना, g dash में वैल्यू रख के देख लो, g dash में क्या बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे 1 रखा, x की जो 1 रखा, तो बनेगा tan of pi by 4, tan of pi by 4 क्या बनेगा, 1, तो ln 1 क्या बनेगा, 0, 0 into 4/πx क्या हो जाएगा, 0, तो e raise to power 0 आपका क्या हो जाएगा, 1, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, 4/π और पाई बाई 4 ये आपके आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, टेन ऑफ पाई बाई 4 आपका क्या होगा, 1 होगा, एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये तो आपका क्या है, ln ऑफ tan 1, सॉरी tan ऑफ पाई बाई 4 1 बनेगा, तो ln आपका 0, तो ये वाला तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, secant स्क्वायर पाई बाई 4,
secant square pi by 4 आपका क्या हो जाएगा, secant of pi by root 2, root 2 उसका क्या आएगा 2, तो g dash भी आपका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा आपका y is equal to 2 plus 2 यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बेटा 4। कोई डाउट है किसी का? नो सर। चलो नेक्स्ट दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ वाई इज इक्वल टू रूट एक्स रेज टू पावर रूट एक्स इनटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, फाइंड वाई डैश दो क्वेश्चन मैंने करा दिए तुम्हें, बहुत अच्छे अच्छे बहुत छोटा सा क्वेश्चन है तुमसे, हो जाना चाहिए। सर e रेस टू पावर क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर e रेस टू पावर एक्स स्क्वायर। सर पूरा रिपीट करो क्वेश्चन, ठीक से नहीं दिख रहा, ब्लर दिख रही है स्क्रीन इसलिए। रूट एक्स रेज टू पावर रूट एक्स इनटू ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर। इसको आप एफ मान लो, ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर का आप क्या मान लो, जी मान लो, D of F into G आपके क्या हो जाएगा, F dash G plus F G dash ऐसा, तो जिसको F माना है इसको सॉल्व कर लो पहले, तो ये आपका लिखा हुआ रूट एक्स रेस टू पावर रूट एक्स, तो X की पावर रूट एक्स, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, X रेस टू पावर रूट एक्स बाई 2, बात तो एक ही है ना, पावर का पावर और पावर मल्टीप्लाई हुई, इस X की पावर को मैं 1/2 लिखा। अच्छा इसको एलन है, इसको e की पावर में लिखने का तरीका, ये आपका जो रूट एक्स बाई 2 वो तो आगे आ जाएगा और x का आप क्या ले लोगे, log ले लोगे, तो क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है एलन x। अब आप जो है f डैश निकाल लो, f डैश निकालने का तरीका पहले तो सेम आपका यही आएगा रूट एक्स बाई 2 इंटू एलन x ऐसा, और फिर आपको क्या बेटा इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा इसको सेकंड, तो फर्स्ट इंटू सेकंड है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट को ड्रॉप कर दिया, सेकंड वाले का क्या, तो क्या आएगा बेटा 1/x प्लस सेकंड को ड्रॉप कर दिया, और फर्स्ट के लिए करोगे तो 1/2 तो आपका कांस्टेंट ही है, रूट एक्स का क्या हो जाएगा आपका 1/2 रूट एक्स, ठीक है ऐसा, ये आपका एफ डैश आ गया। जी की बात कर रहे हैं तो जी तो आपका सिंपल सा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर, जी डैश आपके क्या आएगा ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर का फिर से 2x, तो ये ज्यादा आसान है आपका। अब क्या करो, अब आपको 1 रखना है तो पहले आपका एफ और जी के वैल्यू भी 1 करके निकाल लो ना एक बार, तो पहले भाई आपका एफ डैश निकाल लेते हैं एक बार, एफ डैश आपका क्या है, एफ डैश ये रहा आपका, एफ डैश का मीनिंग क्या है, ln 1 बनेगा, ln 1 के लिए ये बेटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ln 1 इनटू ये 0 बनेगा, 0 इनटू 2x ये 0 बनेगा, ये 0 बन जाएगा,
यहाँ पे भी आपका एल एन वन बनेगा, ये भी जीरो बन जाएगा। यहाँ से आपके क्या आएगा, वन बाई टू है ना, वन बाई टू आ जाएगा। तो एफ डैश आपको आ रहा है वन बाई टू। जी की बात कर लेते हैं, जी आपके क्या है, वन रखना है एक्स के, तो ए इंटू टू, तो क्या आ जाएगा, टू ही आ जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एफ की। एफ आपके क्या है, ये तो वन रेस्ट पावर वन ही हो जाएगा, एक्स के वन रखना है, तो रूट ऑफ वन रेस्ट पावर रूट ऑफ वन, तो वन रेस्ट पावर वन आपके क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। जी डैश की बात कर लेते हैं। अच्छा, हमने पहले किसकी बात करी, जी की बात करी थी क्या? अरे जी तो आपका ई आएगा ना, जी आपका ई आएगा, जी डैश आपका टू ई आएगा। अब आप क्या करो, इसको ऐड करो, ऐड तो कर ही लोगे तुम लोग, ऐड हो जाएगा ये और ये मल्टीप्लाई करके, और ये और ये मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना। तो ये आपका क्या है, ये मल्टीप्लाई करेगा तो ई बाई टू आ जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, टू ही आ जाएगा। इन दोनों का एडिशन, टू ई प्लस ई बाई टू आपका आ जाएगा फाइव ई बाई टू, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, समझ में आ गए सबके? यस सर। यस सर। देखो इतने बड़े बड़े डेरिवेटिव तुम अब कर रहे हो, तुम्हें छोटे मोटे तो वैसे ही कर लोगे तुम। और प्रिया तू स्कैन करके किससे भेजती है होमवर्क? क्या कुछ दिख नहीं रहा था प्रिया? हाँ सर, क्या बोल रहे सर? मैं ये कह रहा हूँ किससे स्कैन करके भेजती है, तेरा लिखा हुआ भी नहीं दिखता उसमें पीडीएफ में तेरा। सर वो एक बार कैम स्कैनर, अब तो मैंने एक बार अनइंस्टॉल कर दी, तो अब तो वो ऐप बंद हो गए। उसके बाद कोई अच्छी ऐप मिली नहीं सर, जो मिली वो डाउनलोड कर दिए। मैं भेज दूंगा ना, मैं भेज दूंगा एक लिंक, एक है ऐप। ठीक है ठीक है, मैं आपको अगर आज ऐसा हो तो कल वाला होमवर्क वापस भेज दूंगी, सिर्फ सिंपल फोटो। बस 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 हो गया। 26 नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू पाई स्क्वायर प्लस 2 रेस टू पावर x प्लस x स्क्वायर प्लस x रेस टू पावर 1 बाय x। If y is equal to pi square plus 2 raised to power x plus x square plus x raised to power 1 by x, then find the slope, then find the slope of the line perpendicular perpendicular to the tangent on the graph of y is equal to fx at x is equal to 1 at x is equal to 1. करो ये क्वेश्चन, करो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, dy by dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू 1। वो आपका क्या होगा, स्लोप होगा किसका, टेंजेंट का। ये मैंने बताया है तुम्हें बहुत अच्छे से, ठीक है? कि डेरिवेटिव ले लोगे आप किसी लाइन का या किसी भी कर्व का, dy by dx निकाल लोगे तो स्लोप होता है। पहले वो निकालो, m1 निकालो, है ना, m1 into m2 equals to minus 1 लगेगा, यानी कि जो आपका स्लोप आएगा उसका माइनस वन अपॉन करके लिख लोगे, आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिन्होंने पढ़ा है 11th, तो मेरे से सबको पता है क्योंकि सब रिवाइज कर रहे हो,
लॉकडाउन में सबने बहुत पढ़ाई की है घर पे। सर एक एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। करो ये करो dy / dx निकालो, इसको बहुत आसान लगेगा। हाँ भाई बोलो। चलो देखो y dx कैसे लिखेंगे। y स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, 2 रेस्ट पावर x के हो जाएगा 2 रेस्ट पावर x इनटू ln 2 प्लस x स्क्वायर के क्या हो जाएगा 2x प्लस। अब ये x रेस्ट पावर 1 / x इसका थोड़ा अलग से कर लेते हैं आप, इसका अलग से करके लिख देते हैं। तो इधर लिख देना x रेस्ट पावर, ये वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो गया ना, कुछ बन गया, इसका अलग कर देते हैं। मुझे पता है कई लोगों से डेरिवेशन इसका डेरिवेटिव नहीं निकल रहा होगा, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो लोग जो ऐसा कर पा रहे हैं। इसको बेटे एक ही पावर में लिख लिया, एक ही पावर में लिखने का मतलब पावर आगे आ जाता है आपका, और जो आपका नंबर है उसको हम क्या ले लेते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, e रेस्ट पावर 1 / x * ln x और फर्स्ट * सेकंड, मान लो ये आपका फर्स्ट है आपका सेकंड है, तो फर्स्ट को ड्रॉप कर दिया, सेकंड का डेरिवेटिव 1 / x और आपका प्लस सेकंड को ड्रॉप कर दिया, इस वाले का आपके क्या आएगा 1 / x का आपका आएगा बेटा माइनस 1 / x के। आप क्या करो 1 रख दो ना, 1 रख दो यहाँ पे, ये ln 1 तो ये तो जीरो ही हो जाएगा आपका, ये ln 1 के चक्कर में ये स्क्वायर जीरो यानी ये 1 बनाएगा, और 1 * 1 आपके क्या है यानी कि यहां से तो 1 आ रहा है, तो ये आपका जो है जो भी यहां पे आया था इसका अंतर 1 आ रहा है, तो मैं नीचे लिख देता हूं ये 1 आया है, ये आपके क्या आएगा 2, यहां पे x के 2 रख दिया, ये आपका 0 है, ये आपका आएगा 2 ln 2 y - x x = 1 इतना आ रहा है आपका, मैं देख लेता हूं क्या 2 ln 2 + 3 आ गया। ये आपके क्या टेंजेंट लाइन का स्लोप है, परपेंडिकुलर लाइन क्या चाहिए, y डैश l लिख दिया मैंने इसको, y डैश l क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन, ये अगर आपका m1 है तो आपका m2 क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m1, 2 ln 2 + 3 हो जाए, ये आपके क्या आंसर है। मुझे पता है कि मैं ही लिख रहा हूँ, बाकी का तो तुम लोग जो लिख रहे हो तो लिख ही रहे हो, कभी-कभी तो मुझे लगता है कि एग्जाम मेरा है, लॉकडाउन के बाद मेरा ही एग्जाम होने वाला है, ऐसा फील करा देते हो आप लोग।
हेलो एक एक फंक्शन आपका जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है ठीक है उसका याद कर लो ना याद कर लो डेरिवेटिव सभी क्यों तुम निकाल तो पाओगे तो याद ही कर लो y is equal to x raised to power x इसका इसका जो y dash है वो आपका क्या होगा x raised to power x into 1 plus ln x कैसे करेंगे ऐसे करेंगे जैसे भी हमने किया ना वैसे ही करेंगे अभी मैंने x raised to power 2x का करके दिखाया था ना ऐसे ही x raised to power x का करेंगे तो इतना आएगा x raised to power x into 1 plus ln x ये याद कर लेना रिमार्क ये आपको याद करना है क्योंकि आप कर तो पाओगे नेक्स्ट टाइटल लिख गया फटाफट से पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है ना क्या होता है देखो इन सम सिचुएशन कर्व्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस जैसे x is equal to sin t ऐसा लिख दिया x is equal to sin t and y is equal to cos t ऐसा ठीक है if x is equal to f of t और y is equal to g of t है दोनों ही बेटा आपके t के फंक्शन है x और y तो आपको जो dy by dx होगा वो फाइंड करने का सीधे सीधे तरीका लिख लो dy by dt divided by dx by dt ये दोनों फाइंड करके ना ये अलग फाइंड करने दोनों को डिवाइड कर लेना ठीक है जैसे यहां आपका फाइंड गया x = sin t और y = cos t एक बात बताओ ये किसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं काव्य x = sin t और y = cos t बेटा किसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं पहले बोलो नहीं हां बना दो किसके पैरामीटर कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं x = sin t और y = cos t सर्कल के लिखे हुए हैं थीटा होता है थीटा के ये टी कर दिया बिल्कुल सही है आपका आंसर मतलब इलिमिनेट करने का तरीका दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसको शुगर बन जाएगा कि नहीं इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t यानी कि दोनों क्या बन जाएगा 1 बन गए ठीक है यानी कि क्लियरली दिख रहा है ना क्लियर दिख रहा है ये एक सर्कल का इक्वेशन है ठीक है जिसका क्या रेडियस बना सेंटर कहां पर 0 0 ओरिजिन ठीक है तो आपको करना क्या है कि इस फंक्शन को आप अलग डेरिवेटिव ले लो इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव ले लो तो अगर x = sin t और y = cos t को आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप कैसे निकालोगे dy/dt dy/dt कैसे निकालोगे भाई इसका डेरिवेटिव cos t का क्या आएगा माइनस sin t ठीक है और dx/dt बेटा क्या आएगा तुम्हारा sin t का क्या आएगा cos t इन दोनों को क्या करना है आपको डिवाइड करना है यही तो बताया अभी dy/dx का मतलब क्या है दोनों का अलग अलग टी पे डेरिवेटिव लेने के बाद डिवाइड कर दो तो दोनों को डिवाइड करने के बाद क्या आएगा माइनस ऑफ टेन टी क्या आएगा माइनस ऑफ टेन टी दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना मना है ना इसलिए मैंने दूसरा तरीका नहीं बताया क्योंकि जो बताया वो भी चला जाएगा मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यस सर इलिप्स के बताना पैरामीटर कोऑर्डिनेट इलिप्स के सर ये क्या पूछ लिया
सबको याद होना चाहिए दुनिया में। आईटी का एग्जाम देने वाले बेटा थोड़े टाइम में। सर तो रिवाइज भी करेंगे ना। हाँ मोदी जी, अरे क्लास में ही हो मोदी जी? यस सर। हाँ तो बोल दो फटाफट से। अरे बैठ के गूगल कर रहे है क्या? नहीं सर याद नहीं है। अरे क्या बात है क्या बात है। हाँ बस यही तो बात है। हाँ बेटा प्रिया बताना जरा इलिप्स के पैरामीटर कोऑर्डिनेट। सर ऐसा बी कॉस थीटा ऐसा कुछ था, मतलब ऐसा ही। बहुत ही बढ़िया। हाँ ए और बी दोनों अलग अलग होंगे, मतलब ए साइन थीटा का मतलब ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। मेरी तरफ से जो है बहुत बहुत ढेर सारी बधाई है आपको जो है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट नहीं पता। मुबारक हो। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फाइंड द डेरिवेटिव। इतना अच्छे से मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाया था, मैंने बोला था याद आ गया। लेना देने नहीं, लेकिन क्या मतलब है इक्वेशन से थोड़ी मतलब रट्टा मार के घूमते रहेंगे। छोड़ो सब बात है। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। बस दुनिया में मतलब शोर मचा रखा है दुनिया में, नहीं लॉकडाउन है, लॉकडाउन करें तो करें कैसे। अब ये भी बाहर जाके रोड पे ना, रोड पे प्रदर्शन करोगे तब याद होगा तुम्हें, घर में बैठे बैठे पढ़ थोड़ी नहीं सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू x, इफ लोगों को कुछ तो बहाना चाहिए। अरे सर कैसे पढ़ेंगे लॉकडाउन है। हाँ सही बात है। x is equal to a cos t plus t sin t। x is equal to a cos t plus t sin t। और बेटा y आपका दिया हुआ है, y आपका दिया हुआ है a sin t minus t cos t। y आपका दिया हुआ बेटा a sin t minus t cos t। फिर सीधा डिफरेंशिएट कर देते हैं। dy over dx का मीनिंग क्या है? dy over dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ऐसा dy बाय dt का मतलब क्या है? मैं सीधे सीधे इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव मैं सीधे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। sin t का बेटा क्या हो जाएगा? cos t और माइनस t cos t में आपका क्या है? फर्स्ट इनटू सेकंड लग जाएगा, तो t को ड्रॉप कर दिया, cos t का क्या हो जाएगा? माइनस sin t और प्लस cos t को ड्रॉप कर दिया, t का क्या जाएगा? वन। ठीक है, ये आपका डिवाइडेड बाई, यहां से x कर रहा हूं तो मैं a तो बाहर ही रहेगा, cos t का आपका हो जाएगा माइनस sin t और आपका हो जाएगा प्लस। तो t sin t में आपको क्या लगाना पड़ेगा? फर्स्ट इनटू सेकंड, तो t को ड्रॉप कर दिया, t को ड्रॉप कर दिया, sin t का बेटा हो जाएगा cos t प्लस, तो sin t को ड्रॉप कर दिया, t का हो जाएगा वन। ऐसा ठीक है, तो a से a आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा बचेगा क्या आपको? ऊपर cos t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस t sin t और माइनस cos t डिवाइडेड बाय माइनस sin t प्लस t cos t प्लस sin t। sin t से sin t कैंसिल आउट हो जाएगा, cos t से cos t कैंसिल आउट हो जाएगा, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका sin t / cos t आपका बच जाएगा बेटा tan t। ठीक है, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y, ये लाइन आप यहां तक ऐसे लिख लें, इन लाइन सेम चल रही। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ, f के बाद लिख लें आप, ये जनरल स्टेटमेंट है उसको लिख लें। f x = 3a t
3a t upon 1 plus t cube, और y है आपका 3a t square divided by 1 plus t cube. जैसे क्वेश्चन में अगर आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने इसमें देखा कि a का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, ये तो कैंसिल आउट हो रहा है, देखो कोई मतलब भी नहीं इसका, ये तो ऐसे ही लिखा हुआ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए. हमने इस क्वेश्चन से क्या समझा कि a यहाँ पे सब बेकार है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे 3a का भी कोई मीनिंग नहीं है, पहले कैंसिल आउट कर दे रहा हूँ, बाद में भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि कोई इसका मीनिंग तो है नहीं, मैंने पहले कर दिया. कैलकुलेशन थोड़ा कम लगा, कम लगेगा थोड़ा. तो dy/dx वैसे ही मैं आलसी इंसान हूं, ज्यादा लिखना नहीं चाहता. dy/dt/dx/dt, तो इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे जो है क्या करना पड़ेगा, क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा ना, टी इसके डिवाइडेड बाई 1 plus t cube है. तो क्या करोगे आप, फर्स्ट इसको मान लिया और सेकंड इसको मान लिया. लगाने के लिए आपने क्या किया, सेकंड आपने यहाँ लिखा और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t माइनस टी स्क्वायर इंटू, और 1 plus t cube का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3t square डिवाइडेड बाई, देखो आपके क्या आएगा, 1 plus t cube का होल स्क्वायर आएगा, लेकिन मैं उसको लिखना नहीं चाह रहा हूँ. क्यों, क्योंकि यहां से भी आएगा 1 plus t cube का होल स्क्वायर है, इसमें भी क्वोशेंट रूल लगाना पड़ेगा. हेलो सर, अब आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आई. एक्चुअल मैं क्या था, लाइट चली गई ना, लाइट चली गई, मैं डेटा से ले रहा हूँ क्लासों को. सर तो रहने तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है हमें, वो तो मुझे दिख रहा है. तो बेटा मैं आज कभी कुछ क्या हो, क्या वो दिखाई नहीं दे रहे हो. देखिए 1 plus t cube का होल स्क्वायर मैं यहाँ पे लिखना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी आएगा dx/dt भी 1 plus t cube का होल स्क्वायर करेगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बाहर में वो लिखना नहीं. इसको फर्स्ट इनटू सेकंड मानने का मतलब है कि 1 plus t cube और t का सेकंड को एज इट इज लगा, और फर्स्ट को बेटा हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव t का 1 आ जाएगा, माइनस t को आपने एज इट इज लगा और ये आपको आ जाएगा 3t square ऐसा. अब आप जो क्या करें, अब कर लो ना, कर लो, अब कर लोगे तुम, यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगा या मैं ही लिख दूँ, कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ. एक कैलकुलेशन लिख लो मल्टीप्लाई करके, ये वाला मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा यार, कैसी बात कर रहे हो तुम, ऐसा मजाक मत करो भाई, कर लोगे अब तुम. हाँ सर, नहीं लिख देता, कोई बात नहीं, मैं लिख देता तुम्हें. चलेगा सर, चलेगा चलेगा चलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कोई हाँ ही नहीं करता है. सर मैं बोल तो रहा हूँ. हाँ सर, कॉल नहीं. देखो सर. हाँ सर, चलेगा. तीन हो गए सर, देखो. चलो कोई बात नहीं, तो लिख लेना सर. है ये ज्यादा एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में मैं बताऊं, ये 1 plus t cube का होल स्क्वायर नीचे आता है ना कोसाइन का स्क्वायर, ऐसा मत सोचना कि सर ने फॉर्मूला गलत लगा दिया, कई लोग सोच रहे हो भाई आता है. यहाँ से dy/dt से भी आएगा तो सेम है ना, सेम इसके डिनोमिनेटर में भी बेटा 1 plus t cube लिखा हुआ जो dx/dt के साथ आएगा, तो वो एक स्टेप मैंने उड़ा दिया यहाँ पे, ठीक है. नेक्स्ट, x is equal to find the derivative of y with respect to x, यहाँ तक आप अपने आप से लिख लें. नेक्स्ट आपका x is equal to a sec square theta और y is equal to आपका a tan square theta. देखो कहानी क्या है, यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पर टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, फर्क कुछ नहीं है. देखो जैसे आपका यहाँ पर एक काम नहीं आया, यहाँ पे आपका 3 काम नहीं आया, यहाँ पे भी आपका ये एक काम नहीं आएगा, तो मैं तो ना पहले हटा दे रहे, इसको कोई दिक्कत नहीं है. dy/dx बेटा तुम्हारा क्या होगा, dy/dθ डिवाइडेड बाय dx/dθ, ठीक है. तो ये आपका dy/dθ क्या हो जाएगा, 2 tan theta और tan theta का बेटा क्या हो जाएगा, secant square theta divided by sec square theta का 2 sec theta into sec theta का दोबारा से करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec theta into tan theta,
तो सेम ही लिखा होगा ऊपर नीचे, कैंसिल आउट होकर क्या आएगा बना जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका x इक्वल्स टू a रूट ऑफ cos 2t इनटू cos t, और y दिया हुआ आपका a रूट ऑफ cos 2t इनटू sin t। इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है तुमको, दिख तो रहा है ना? हाँ सर दिख रहा है। यस सर, सर मुझे आवाज नहीं आ रही सर। कौन बोला? मनीष। हेलो। हाँ मनीष, क्या कहना चाह रहा है? हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, कैसे हो? हेलो सर। अरे भाई, इसके आगे कुछ बोलेगा? हेलो भाई, ये गया बैठा है क्या जंगल में कहीं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही। क्या करेगा मेरी आवाज सुन के? सर एक बार जोर से बोलो। बस कर भाई, बस कर लो, शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए, शांत हो लो। एक 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 मिनट चेक कर लो, शांत। इतना गुस्सा क्यों हो जाता है एकदम? अच्छा गांव में ना, गांव में तो फॉर्म में एकदम है, दो चार को लेके बैठा होगा। साइकिल वाली गर्लफ्रेंड भी होगी साथ में। हाँ सही बात है। अरे अब आ रही है आवाज मनीष? हेलो, ये तो गया मनीष। हेलो, हाँ सर। अरे संसद में बैठे हो क्या जनाब? हाँ सर, अब आ रही है, अब आ रही है। ओके ओके भाई साहब, ओके, आपकी सेवा में ऐसी तत्पर हैं। थैंक यू सर। बता देना और कोई दिक्कत हो बताना सर। चाय नाश्ता कॉफी वॉफी कुछ लेंगे आप? नो सर थैंक्स। ऐसे एकदम बोल रहा नहीं, ऐसे बैठा हुआ, ऐसे ऐसे महफिल में बैठा है, बोल भी रहा है ऐसे। है किसको उठवाना है? अच्छा उसको किनारे लगवाना है आज, ओके। हैं सामने तेरी मवाली गिरी निकालूंगा मैं अभी कभी। तो पता नहीं सर, उससे भी बड़े मवाली थे। देखो हम क्या करते हैं, तो कर लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ कुछ खरीद लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, dy by dx निकाल यार, तुम निकाल लोगे ना? ये निकाल लोगे, बहुत हो गया, तुम मेरे से निकलवा रहे हो, ठीक है। तो हाँ सर, हमने कब बोला कि आप निकालो? ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको, और ये जो है dy/dx निकालने के बाद, ये इसका dy/dx को फाइंड करना, वो पाई बाई सिक्स में फाइंड करना। dy/dx at t is equal to पाई बाई सिक्स कर लेना। तो एक क्वेश्चन में और लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए, जो कि तुम्हें करना है खुद ही कर लेना। x is equal to cos t plus t sin t plus t sin t minus माइनस टी स्क्वायर बाई टू इंटू कॉस टी, ऐसा। ये आपका एक्स का वैल्यू बेटा, वाई है आपका साइन टी, साइन टी माइनस टी कॉस टी माइनस टी स्क्वायर बाई टू साइन टी आपको फाइंड करना है वाई डैश, मतलब वही आपको एज यूजुअल। एक क्वेश्चन और लिख देता हूं आपके लिए मैं, खुद ही कर लेना, ठीक है। बहुत छोटे छोटे से हैं, मैं तो आप लोग कर ही लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट है आपका x इक्वल्स टू a cos क्यूब t और y इक्वल्स टू आपका a sin क्यूब t। लास्ट वाले का मुझे करके बता दो फटाफट से, लास्ट वाले का आंसर बता दो जो मैंने लिखा हुआ है x इक्वल्स टू a cos क्यूब t और y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, इसका आंसर बता देना फटाफट से। चेक कैसी भी आ रही हो आवाज, सभी करो मेरी आवाज आ रही है। हेलो एवरीवन, सब कट रही है थोड़ी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोले। कुछ नहीं है बस ये आपका आज का लेक्चर एंड करते हैं, दी एंड मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दी एंड दिख रहा है आपको। अरे मनीष क्या बोल रहे, ये 20 क्वेश्चंस आपको होमवर्क है इसी क्लास के साथ। हेलो, ये दिख रहा है सबको जो लिखा हुआ है सर? 20 हाँ सर, हाँ सर 20 सर, क्वार्टरली आंसर मतलब डीवाई बाय डी, गलत है जिसका भी है लास्ट वाले माइनस माइनस क्वार्टी माइनस क्वार्टी माइनस क्वार्टी। बस बस हो गया हो गया। चलो जरा एक बार एक काम करना, अपनी वीडियो विजुअल करना तुम सब फटाफट से। हाँ मनी क्या कह रहा था बता दो। मनीष है नहीं नहीं बात तो ऐसे कर रहा है लेकिन भीड़ में जाकर बैठा है, दो चार लोगों को लेके डकैत बन गया है तू वहां पे। तेरे दांतों पे ना एशियन पेंट कर दूंगा मैं, पूरी साल नहीं पड़ेगी तेरे को जरूरत टूथ पेस्ट की नलायक। अरे सर अच्छी स्कीम निकाली है। हाँ और कौन क्या कह रहा था, तू बता तू इधर कहाँ है एहसान, मेरे को तुम बहुत समझ गया, तुम जान बुझ सब क्या जान बुझ के सर मेरी क्लास में सबको नहीं। अरे पर सर साथ में सब लोग ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं तो। अच्छा ये देख शान स्मित बोल रहा है, इसको मुझे लग रहा है, सुन शान इसको पूछू स्मित को हिम्मत नगर के क्या हालचाल है। हाँ स्मित हिम्मत नगर का क्या हुआ? जाना है हिम्मत नगर, लेके चलता हूँ तेरे को। कैमरा छुपा लिया। चलो हो गया चलो बाय, काम है मुझे, ओके बाय। अब तो बड़े बिजी हो सर।